नमस्कार दोस्तों, विजन किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ अमृतसरी दाल तड़का। ये दाल बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। इसको आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे और जिसको भी आप खिलाएंगे वो भी उंगलियां चाटता रह जाएगा। इसको आप बनाइए, लच्छा परांठा, तंदूरी रोटी, नान के साथ खाइए, ये आपको बहुत टेस्टी लगेगी। चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अमृतसरी दाल तड़का बनाने के लिए यहाँ पे हमने चना दाल और उड़द की दाल ली है। क्वांटिटी का आपने ध्यान रखना है। अगर आप एक कप उड़द की दाल ले रहे हैं तो हाफ कप आपने चने की दाल लेनी है। इनको हमने आधा घंटा भिगो के बॉईल कर दिया है। ये हमने पहले से बॉईल करी हुई है, ये आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हमने नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल किया है। हमने इसको प्रेशर कुक किया है। एक विसल बजने के बाद हमने 5 मिनट इसको लो फ्लेम पे कुक किया है। फिर हमने इसकी स्टीम निकाल दी थी और ये दाल बनके एकदम तैयार हो गई है। अब हम आगे दाल बनाना शुरू करते हैं। अब आगे दाल बनाने के लिए हमने देसी घी गर्म होने के लिए रखा हुआ है। सबसे पहले हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे, तेज पत्ता, छोटी इलायची, दालचीनी और बड़ी इलायची। साथ ही इसमें हम जीरा डालेंगे और यहाँ पे हमने चॉप्ड ग्रीन चिल्ली और अदरक ली है, ये डाल देते हैं। अमृतसरी दाल तड़का बन रही है। देसी घी में ये बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। खड़े मसालों की खुशबू आनी शुरू हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे, ये हमने चॉप करके रखे हुए, फाइनली चॉप हमने की है, ये डाल देते हैं। मिक्स कर देते हैं और फ्लेम हमने मीडियम रखनी है। प्याज डाल के इसको हम 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। प्याज का थोड़ा सा कलर ना चेंज हो जाए तब तक हमने कुक करना है। 3-4 मिनट हो गए हैं प्याज को कुक होते हुए, आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, फ्रेश टमाटर की हमने प्योरे बना के रखी है, वो हम डाल देते हैं। थोड़ा इसमें पानी डाल के हिला लेते हैं, जो बाकी का टमाटर है अंदर लगा हुआ है वो भी निकल जाएगा। मिक्स कर देते हैं। ये बहुत टेस्टी दाल बनती है, इसको आप जरूर बनाइए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। इसको आप बटर रोटी, परांठा, नान किसी के साथ भी आप खा सकते हैं, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये मिक्स करने के बाद इसमें हम ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे, वो हम करते हैं। थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, हल्दी पाउडर हमने दाल में भी डाला हुआ है, कम भी डालेंगे। धनिया पाउडर, गरम मसाला, और रेड चिल्ली पाउडर। यह हम देगी मिर्च यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने ग्रीन चिल्ली डाली है पहले काफ़ी। अगर हम दूसरी कुटी हुई रेड चिल्ली डालेंगे तो स्पाइसी ज़्यादा हो जाएगी दाल। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वो डाल सकते हैं। मिक्स कर देते हैं। मिक्स करने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की और साथ ही हम इसमें जो हमने दाल बॉईल की थी वो डाल देंगे। उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। अभी काफ़ी गाढ़ी है ये, आप देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा पतला करेंगे। एक कप के करीब हमने पानी डाला है, ये आप देख सकते हैं।
और साथ ही इसमें थोड़ा सा नमक मिलाएंगे, क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है, ये आपने ध्यान रखना है। मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको कवर करेंगे और स्लो फ्लेम पे 20 मिनट के लिए कुक करेंगे। ये 20 मिनट हो गए हैं दाल को कुक करते हुए कवर करके। अब हम इसे खोल के चेक करते हैं। खोलते ही बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, पूरी किचन में खुशबू खुशबू फैल गई है। ये आप देखिए, दाल अच्छे से रच गई है। अब लास्ट स्टेप इसका बाकी है, वो हम आपको करके बताते हैं। यहाँ थोड़ी सी हमने कसूरी मेथी ली है, इसको हम हाथ से क्रश करेंगे और डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर हो जाता है दाल का एकदम। जैसे ही आप डालेंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है कसूरी मेथी की भी। हमने अपने चैनल पे ढाबा स्टाइल चना दाल भी डाली हुई है स्मोकी फ्लेवर की, बहुत टेस्टी वो दाल बनती है, वो भी आप ट्राई कीजिए, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। कसूरी मेथी डाल के इसको हम फिर से कवर करेंगे 2 मिनट के लिए। बस वो हम कवर करते हैं। दो मिनट हो गए हैं कवर करके कुक करते हुए। अब हम इसका लिड हटाते हैं, मिक्स कर देते हैं। ये दाल बनके एकदम तैयार हो गई है। अभी अभी हमारे घर में पड़ोसी आए थे, पूछ रहे थे क्या बनाया आपने, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने फिर उनको बताया अमृतसरी दाल तड़का हमने बनाई है, कहते हमें भी थोड़ी दे देना। मैं क्या जरूर दूंगा, बहुत टेस्टी ये दाल बनती है। अब हम फ्लेम ऑफ करते हैं और इसकी प्लेटिंग करते हैं। ये आप देखिए, अमृतसरी दाल तड़का बनके एकदम तैयार हो गई है। ये बहुत टेस्टी बनती है और कितनी जल्दी हमने इसको बना लिया है। आप क्या सोच रहे हैं, इसको आप ज़रूर बनाइए और बटर रोटी या परांठा या नान के साथ इसको खाइए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसको कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।